आदाब, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आज मैं जिस फिल्मी शख्सियत के बारे में बात करने जा रहा हूँ उनका नाम है धीरेंद्रनाथ गंगुली। आप 1893 में पैदा हुए और 1978 में फोत हो गए, और आप एक्टर भी थे, प्रोड्यूसर भी थे, डायरेक्टर भी थे, और कुछ फिल्में इन्होंने लिखी भी, और आप कमोबेश 50 to 60 ईयर्स फिल्म इंडस्ट्री से मुंसलिक रहे। और सबसे पहले आपने विश्वा भारती यूनिवर्सिटी से डिग्री ली और आप स्टेट आर्ट स्कूल हैदराबाद के हेडमास्टर बने, और वहीं पे काम करते हुए इन्होंने फोटोग्राफी से मुतलिक एक किताब लिखी जो कि 1915 में छपी, और वो किताब काफ़ी पसंद की गई। और मदन थिएटर के मालिक जमशेद जी फराम जी, जब ये किताब उनकी नज़र से गुजरी तो उन्होंने गंगुली साहब को हायर कर लिया, और इस तरह इन्होंने अपनी पहली फिल्म बनाई बिलात फिरात, जो कि बंगाली में थी, और ये कॉमेडी मूवी भी थी। उसके बाद आपने लोटस फिल्म कंपनी ज्वाइन कर ली, अपनी कंपनी बनाई जो कि हैदराबाद में इनका स्टूडियो था, और इस दौरान इन्होंने दो सिनेमाज भी खरीदे और बेशुमार फिल्मों की डिस्ट्रीब्यूशन भी खरीद ली। लेकिन उसके बाद इन्होंने इस कंपनी को बंद करके ब्रिटिश डोमिनियन फिल्म कंपनी शुरू कर दी जो कि कलकत्ता में थी, और इस दौरान टॉकीज का दौर आ चुका था और साइलेंट मूवीज़ ज़्यादा नहीं देखी जाती थी, तो इन्होंने अपना ये स्टूडियो बंद कर दिया, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री से ये मुंसलिक रहे। और गंगुली साहब ने बरुआ पिक्चर कंपनी ज्वाइन कर ली, और आप एक लंबे अरसे तक फिल्म इंडस्ट्री से मुंसलिक रहे। अब मैं आपको बताता हूँ जिन मूवीज़ को इन्होंने लिखा, जो इन्होंने डायरेक्ट की, जो इन्होंने प्रोड्यूस की, और जिसमें इन्होंने काम भी किया, ये कमोबेश 70 मूवीज़ हैं। मैं सबके नाम नहीं लूँगा। जो मूवीज़ इन्होंने लिखी उसमें जिसमें उन्होंने एक्ट भी किया वो थी बिलेत फिरात, और इसका इंग्लिश में मतलब है द इंग्लैंड रिटर्न। उसके बाद फ्लेम ऑफ लाइफ, ये वो फिल्म्स हैं जो इन्होंने लिखी। उसके बाद शीश निवेदन, फिर उसके बाद कुछ फिल्म्स हैं जो इन्होंने डायरेक्ट की और प्रोड्यूस भी की, जिसमें यशोदा नंदन, पंचासार, टके की नाहे, शीश निवेदन, हरु गोरी, और ये सिलसिला शुरू होता है 1921 से, और ये 1974 तक अपनी आखिरी उम्र तक ये फिल्म इंडस्ट्री से मुंसलिक रहे। इन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड भी मिला और पद्मा भूषण अवार्ड भी मिला। तो ये थी स्टोरी नरेंद्रनाथ गंगुली की स्टोरी। धीरेंद्रनाथ गंगुली। तो इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो का अख्तिताम करता हूँ। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।